जय माता दी। अभी छत पे आई हूँ क्योंकि आज मैं घुट रही हूँ। मेरे कुमार जी की घुटन लग रही है, खुले में रह के भी मैं घुट रही हूँ और बंद में भी मैं घुट रही हूँ। मैंने आज तक किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया, मैं नहीं बताती क्योंकि कभी अपने बारे में बताते वक्त कई अच्छे लोगों, कई अच्छे, बहुत अच्छे अपने लोग आ जाते हैं। तो अब अपने बारे में बताऊंगी क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आज मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये एक वीडियो में होगा तो एक वीडियो में आएगा, ये दो में होगा तो दो में आएगा, मुझे नहीं पता। मैं कहीं कुछ पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। अगर तुमको मैं गलत लगूँ तो गलत, तुमको मैं सही लगूँ तो सही। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से घुट रही हूँ और मेरा मन मरने का कर रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पता मैं तुम लोगों को बोल दूँ या अपनी बात बता दूँ तो मैं हल्की हो जाऊँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और कोई रीज़न नहीं है बताने का। मैं 10th क्लास में थी, 10th तक सब सही था। मेरी मुलाकात सो कॉल्ड एक लड़के से होती है। वो सो कॉल्ड लड़का मेरे साथ बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। वो सो कॉल्ड लड़का मेरे जीवन का पहला लड़का था। वो सो कॉल्ड लड़का आगे जाके मेरा पति बनता है। नाम नहीं ले रही मैं क्योंकि मुझे नाम नहीं लेना, मेरे को नाम नहीं लेना, नफरत करती हूँ मैं, नफरत। जितना प्यार किया उतनी नफरत। अगर ये वीडियो तुम भी देख रहे हो तो तुमको भी पता मैंने बहुत प्यार किया था और तुमको ये भी पता आज बहुत नफरत भी करती हूँ। इस लड़के से मुझे प्यार होता है, ऊपर से प्लेन जा रहा है, इतना प्यार होता है हद से हद तक कि मुझे हर जगह वही लड़का दिखता है। वो क्या कहता है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो कब सांसें लेता है, उसकी सांसों में सांसें ले रही हूँ। उसको जो अच्छा लगता है वैसे कहती हूँ, उसको जो बुरा लगता है वो नहीं करती हूँ। ऐसी थी मैं। मेरे माँ बाप को मैंने बोला, माँ बाप होते हैं वो पहले ही समझ जाते हैं, उनको समझ में आ गया था कुछ नहीं है। पर मैंने अपने मम्मी पापा का जीना हराम किया था। हाँ मैंने किया था भाई, मैंने रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी घर में कि इस लड़के से शादी करूँगी मैं, इस लड़के से शादी करूँगी मैं इसे प्यार करती हूँ, इस लड़के से शादी करा दो मेरी। मेरे पापा बोले कुछ नहीं करता। मैंने कहा कोई नहीं मिलके कर लेंगे। बोला कुछ नहीं कमाता। मैंने कहा कोई नहीं मिलके कमा लेंगे, पर मैं इससे प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते थे, वो झुक गए। मेरे जीवन की गलती यही है भाई, कोई मत करना, मैंने की थी, कोई मत करना। मैं तो कह रही शादी नहीं करना, करो तो सोच समझ के करना। मेरी मम्मी पापा झुक तो गए, शादी करवा दी। ऐसा नहीं उसने मुझे शादी से पहले नहीं पीटा था, जब मैं उसकी मासूका थी ना उसने मुझे तब पीटा था, डांटा भी था, पीटा भी था, मारा भी था। उस टाइम पे भी शक्की था
और ये तो प्यार होता अंधा होता भाई, मैं सोची शक्की नहीं है, ये तो केयरिंग है, मारना नहीं है, ये तो हक है, गाली गलोच नहीं है, ये तो अपनापन है, मैंने ऐसा सोचा। मेरे सामने सामने उसने दो चार बार लोगों को पीटा, उसके उनके खून आए हुए थे लोगों के। फिर मैंने शादी कर ली, अब मैं मस्कुलर मैन लगता है वो, हमारी गलती है, हाँ हमें भी तो प्रोटेक्ट करेगा। अरे प्रोटेक्ट बाद में करेगा, पहले तुम्हें ही पीटेगा। शादी करने के बाद जैसे तैसे शादी हो गई, माँ बाप की छाती पे चढ़ के कर ली, भागी नहीं थी कि उनकी मंजूरी से थी, अब कहीं भाग गई, भागी नहीं थी उनकी मंजूरी से की, पर उनको ऊपर प्रेशर डाल के की। शादी के 11 दिन हुए थे, 11 दिन, 11वें दिन मैं पिट गई थी, 11वें दिन मुझे पीट दिया था मेरे पति ने। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने मार नहीं खाई? कभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे बोला था तो एक ने बोला तुझे क्या पता डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जिस पे बीतती है वो जानती है। अरे भाई जिस पे बीतती है वही जानती है, वही समझाती है, पहला थप्पड़ लग जाए वहीं रुक जाओ। मुझे तो शादी से पहले भी लग गया था पर वो हल्के लगे थे। शादी के 11वें दिन ऐसा थप्पड़ मारे थे, मेरे मुंह पे निशान थे, यहाँ पे उंगलियाँ छपी हुई थी, यहाँ नोचा हुआ था, मुझे बहुत पीटा था। हाँ कई लोग जानना चाहेंगे मेरी गलती क्या थी, है ना, गलती जानना चाहते हो, मार नहीं देखना चाहते, तो गलती मेरी ये थी कि मैं बचपने में मैंने शादी की थी, मैं एक मैच्योर लड़की नहीं थी, घर में माँ बाप ने मुझसे कुछ नहीं करवाया था, पार्लर का काम करना आता था, कोलगेट का जो ढक्कन होता ना, ढक्कन ऊपर का ऐसे, उसको मैंने परफेक्ट नहीं बंद किया, मैंने ऐसे लगा दिया और मैंने वहीं रख दिया, एक अच्छी ग्रहणी की तरह मैंने उसको पूरा गोल गोल करके बंद नहीं किया था। उसने मुझे वहीं बुलाया बाथरूम में, मैं अपने ही ख्यालों में बालकनी में बैठी थी, बाथरूम में बुलाया उसने मुझे, कोलगेट का ढक्कन दिखाया और वो मुझे सिखा रहा था कि ऐसे बंद करो, ऐसे बंद, मैंने सीखा नहीं, मैंने कहा जा जा जा, मैं ऐसे करके बाहर निकल आई। बाहर आती हूँ मैं वापस बालकनी की तरफ जाती, कोई आदमी मेरे बाल खींच के नोच के मुझे नीचे धक्के मार के मार रहा होता है, वो मेरा सो कॉल्ड पति है, मैं पीछे ऐसे जा रही हूँ और मुझे नोच के पीछे घेर देता है और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है, मेरे हाथ पे थप्पड़ मारता है, मुझे बचाव करना नहीं आया अपना। मैं जैसे तैसे उस घर से बाहर निकलती हूँ अपने बाप के पास और अपनी माँ के पास आने के लिए, मैं निकल चुकी थी घर से बाहर अपनी माँ और बाप के पास आने के लिए, थोड़ी से कदम चलती हूँ तो दिमाग आता है कि इन्हीं की तो छाती पे चढ़ के तूने शादी की थी, क्या बोलेगी इनको, तू क्या बोलेगी, इनकी छाती पे तो तूने चढ़ के शादी की थी। वहां पे रोड पे बैठ जाती हूँ मैं, किसी ने बोला था उसने दर्द थोड़ी देखे हैं ऑनलाइन पर्सनैलिटी ने, अरे बेटा कुछ नहीं बोलना। रोड पे बैठती हूँ, सोचती हूँ कि उधर जाऊँ या उधर जाऊँ। मेरे पापा गुस्से वाले आदमी थे, उन लोगों के ऊपर 2 साल मैंने लड़ाई करके इस आदमी से शादी की थी, 11वें दिन उस आदमी ने मुझे इतना पीट दिया था, तो सोचा उधर जाऊंगी तो वो मेरे पापा मुझे डांटेंगे मारेंगे, उधर जाऊंगी तो उसने मुझे मारा। आधा घंटा सोच के वापस
पति की तरफ कदम उठा लेती हूँ। गलती कर दी थी मैंने, अपने बाप की तरफ उठा लेती वो जिंदगी में मुझे तब मार देता तो मार देता, आज मैं इधर नहीं होती। वापस गई, उस आदमी को होश आता है गुस्से में से, उसको गुस्सा हावी होता है, उसकी प्रॉब्लम ही है, उसको गुस्सा हावी होता है, उसको होश आता तो मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। फिर कुछ दिन में ये झगड़ा सॉल्व हो जाता है, ऐसे ही फिर अनबन बनी रहती है, लड़ाई होती है, मैं माफ़ कर देती हूँ। पर कुछ टाइम तक उसने मुझ पर फिर हाथ नहीं उठाया, पर अब उसने जब मेरे पे हाथ उठाया तब मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी, मैं 3 महीने का बच्चा लेके पेट में थी, मेरी बड़ी बेटी देवांशी लामा मेरे पेट में थी, उसको बेटियां नहीं चाहिए थी, उसको बेटा चाहिए था। बार बार प्रेशर था, चेक करवा ले, पर मैंने चेक नहीं करवाया, मैंने कहा नहीं ऐसे करेंगे। हमारी फिर लड़ाई होती है मियाँ बीबी के बीच में, अनबन होती है, और वो मेरे पेट पे लात मार के नीचे चला जाता है, पेट पे लात मारता है, वो पेट पे लात इतनी ज़ोर से नहीं लगती है, पर मैंने धक्का दीवार की तरफ खाया था, लगा था। क्या कहते हैं ना, बेटियाँ माता रानी का आशीर्वाद होती है, तो मुझे भी मिला भाई, बच्ची को कुछ नहीं हुआ था, 3 महीने की बच्ची थी। यहाँ पे मेरे पति ने मेरे साथ पहला टॉर्चर किया, मैं उसके बगैर 5 मिनट भी नहीं रह पाती थी। वो उस दिन पूरी रात मुझे छोड़ के नीचे गया या दोस्तों में गया था, मैं उसको फ़ोन करती रही कि घर आ जाओ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, घर आ जाओ। वो फिर 5-6 घंटे के बाद लगभग घर आता है, तो जो लड़की 5 मिनट नहीं लगती, 6 घंटे के बाद अपने पति को देखती है, रात में अकेली लड़की थी, कोई नहीं था पूरे फ्लैट में मेरे साथ। फिर एक बार मेरे को, ये पहला टॉर्चर है याद रखना, वो मुझे छोड़ के गया था 6 घंटे के लिए, ये आगे जाके आपको सबक मिलेगा इससे। फिर एक दिन मेरे पेट में दर्द उठता है, मेरी बड़ी बेटी थी, मैं घर में अकेली थी, बाटा आता है मुझे, नर्व्स खींचती है, बाटे आते हैं, पता नहीं किसको पता है, प्रेग्नेंट लेडियों को आ जाते हैं, नॉर्मल भी आ जाते हैं, मेरे को पता नहीं था, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मेरी सांसें अटक गई थी, मेरे माँ बाप को फ़ोन किया तो वो लोग मुझे लेने आए। उस दिन के बाद मेरी घर में मेरी सास ससुर तो यहाँ पे कहीं पे भी मैटर नहीं करते, उनको कुछ नहीं मतलब, हाँ वो हैं नहीं हैं कुछ मतलब नहीं, कोई देवी देवता वो भी नहीं है, और उनको मैटर कुछ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं, कांचे काट रहे हैं, काट लो बात, बेटा नहीं सुनता उनकी, और वो उनके अपने ही फैशन नहीं ख़त्म होते तो बेटा क्या सुनेगा। मैं घर आई, मेरी माँ ने मेरी सेवा की, 9 महीने मेरे को बच्ची पैदा हुई, मैं जच्चा बनी, मेरे जच्चापन में मेरी माँ ने मेरी सेवा की, मेरी माँ ने मेरी को उठा उठा के बाथरूम लेके जाती, उठा उठा के मेरा बच्चा देखा, मेरी माँ जागती थी, मेरी ना किसी ने ना सेवा की ना मेरे बारे में किसी ने पूछा। मेरा पति मुझे फिर मारता है, बहस होती हम दोनों में, अब वो मुझे छोड़ के जाता है, अब मुझे याद नहीं है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई थी, ये मुझे बात याद नहीं है, वो फिर मुझे मारता है, पहले 6 घंटे गए ना, अब वो मुझे फिर मार के छोड़ के चला जाता है। मैं प्यार करती थी अपने पति से, अभी भी करती थी, रह नहीं पाई, मैं उसको फ़ोन कर रही कि जी आ जाओ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। पहली बार याद रखना, 6 घंटे के लिए जब गया था तो मैंने माफ़ी मांग के घर बुलाया था, दूसरी बार गया तो मैंने माफ़ी मांगी तो घर नहीं आया। फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई एक बार बुला ले,
फिर मेरे भाई से उसने माफ़ी मंगवाई। फिर वो घर आया एक दिन के बाद, फिर मामला छोटी मोटी अनबन चलती रही। ये दूसरा हुआ, पहला मैं, फिर मेरा भाई, फिर अगले साल। हर साल का ठीक साल में ये ड्रामा होता था, अनबन मार पिटाई, मेरे साथ ओछापन, मेरे साथ ह्यूमिलेशन, मेरे मोटापे को लेके मेरी ह्यूमिलेशन, मेरे जीवन को जीतने के लिए मेरी ह्यूमिलेशन। कौन कहता है खूबसूरती मैटर नहीं करती? खुद का खसम जब तुम्हें बोलता है ना, अरे तू गंदी दिखती है, तेरे में से बदबू आती है, तू कैसी दिखती है, तू कैसी है, ये मत खा, वो मत कर, ये ह्यूमिलेशन है भाई। क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी लैंग्वेज में, बॉडी शेविंग, ये है बॉडी शेविंग। तुम जो करते हो मोटी भैंस लेते हो, वो बॉडी शेविंग नहीं है, ये है बॉडी शेविंग। 2400 घंटे प्रेशर, छोटी मोटी ये तो मैं आपको पता ही नहीं रही, ये तो हर रोज की थी। हाँ एक पॉइंट और लिखना, शादी के 4 महीने के बाद वो एक कंपनी में काम करता था, 4 महीने के बाद वो काम करना बंद कर दिया उस आदमी ने, घर में बैठ गया। पैसे देती थी मैं उसको, कितने दिए वो भी जानता है, कितने दिए मैं भी जानती। अगले ने कोर्ट में बोला मैं तो डम्मी था, मैं नहीं करता था काम, ये सच बोला था उसने। वो काम नहीं करता था, वो घर में ऐश करता था, जुआ खेलता था, लड़की बाज था वो। व्हाट, मैंने उसके मैसेज पकड़े, घर में बियर दारू पीना उसका डेली का काम था, सट्टा खेलना काम था, बकवास करना काम था, लोंडियाबाजी करना काम था। अब तीसरी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई, मैं अब तक प्यार कर रही हूं, अभी भी मैं प्यार में हूं, फिर वो मुझे अगले साल छोड़ के जाता है। अब जाता है वो 3-4 दिन के लिए, ना मेरा फ़ोन उठाता, ना मेरे भाई का फ़ोन उठाता। अब मेरी माँ उसको फ़ोन करती है, मैं अपनी माँ के आगे झोली करती हूँ, माँ फ़ोन कर ले, मेरी माँ फ़ोन करती है, मेरी माँ का फ़ोन ना उठा के अटेंड नहीं करता, इग्नोर करता है। फिर मैं अपने बाप के आगे झोली बोलता, पापा वापस ले आओ, 3-4 दिन हो गए। मेरे पापा मुझे बोलते हैं अब मैं क्यों लाऊं, मैं कौन होता हूं लाने वाला। सही बोला भाई अगले आदमी ने, उसने तो भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, निकम्मा है। फिर भी मेरे पाप मेरी खुशी के लिए उसको बोलते, आजा बेटा मैं माफ़ी मांगता, ना मेरे माँ की गलती, ना मेरे बाप की गलती, ना मेरे भाई की गलती, फिर भी माफ़ी मांगते, मेरा घर बस जाए। मेरे बाप को नीचा दिखा के घर में एहसान करता आने के लिए, मेरे घर में रुकता है, मैं ही खिलाती हूँ, मैं ही पिलाती हूँ, मैं ही उसका सब कुछ करती हूँ, मैं ही मार खाती हूँ, मैं ही गाली खाती हूँ, लोंडियाबाजी बार करता है। और ह्यूमिलेशन भी मेरी करता है, क्यों, मेरा ब्रेन वॉश हो जाए, मैं पागल हो जाऊँ। यही था, यही प्लानिंग थी तेरी, मेरे माँ बाप से मुझे दूर करने की प्लानिंग की थी इसने, बहुत तगड़ी। मेरी माँ और बाप के खिलाफ मुझे भड़काता है, फिर मुझे मारता है 2-3 साल के बाद। अब ये जाता है छोड़ के, मेरा बाप मुझे बोलता है मत बुलाना, जाने दे। 2.5 महीने तक हम इसको बुलाते नहीं हैं, ये 2.5 महीने के बाद माफ़ी मांग के खुद आता है।
शादी के मैंने 13 साल ऐसे निकाले, 13 साल ऐसे निकाले भाई। हम माफ़ी मांगते रहे, एडजस्ट करते रहे। मेरे को अगर अलग होने का इतना शौक होता तो वीडियो को वापस जाके देख लेना, 11वें दिन पीट गई थी मैं। मेरे को कोई शौक नहीं किसी आदमी से अलग होने का, और अब मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट हमें अलग करेगी। अब कोर्ट तो 3-3, 4-4 साल लगा देती है, लगाओ। इसने मुझे मारा कब नहीं, पीटा कब नहीं, डिप्रेशन कब नहीं दिया, फिजिकल असॉल्ट किया, मेंटल असॉल्ट किया, चीटिंग की, मेरा मॉनिटरी इस्तेमाल किया। 8 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे इस आदमी को, और हर महीने पैसे देती थी। या फिजिकल असॉल्ट, मेरे जेवर लेके भागा हुआ, मेरे सारे गहने लेके भागा हुआ। कोविड में बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं थे, इतना बाप होता ना वो पैसे छोड़ता, बच्चे की फीस भरनी थी मुझे, सब बंद हो गया था, वो पैसे लेके भागा। मेरे पास पैसा नहीं था, पलट के अपने बाप को देखा मैंने, पैसा दे दो। 1 रुपया बच्ची के खर्च में नहीं देता, जो खाता है जो कमाता है अपनी ऐश में उड़ाता है, अपने जुओ में उड़ाता, अपनी दारूबाजी में उड़ाता, अपनी गाड़ियों में उड़ाता है। ऐसा नहीं कमाता नहीं, गाड़ी अभी ली है पीछे 15-20 दिन पहले, पर बच्ची की फीस भरने के पैसे नहीं है। कमेंट में बताना, मैं जानना चाहती हूँ बाप और माँ क्या होते हैं। पैदा करना ही बाप माँ है, ऐसे तो नालियों में बहुत बच्चे पड़े हुए हैं, या ड्यूटी पूरी करने वाले माँ बाप होते हैं। सुबह लगते हैं 9 बजे, रात के 10-10, 11-11 बज जाते हैं। अब मेरे कोई शौक नहीं है, मैं कहीं पार्टियां नहीं करती, किटी पार्टियां नहीं करती, मैं कहीं दारू नहीं पीती, मैं किसी के साथ सट्टा नहीं खेलती, मेरा कोई यार नहीं है जिसके ऊपर उड़ा रही हूं मैं। ये कमारा इसने कहाँ कर दिया, मेरे पास तो सब पैसा है, कब बिल है, मैंने कब मेरी बेटी के ऊपर क्या खर्च किया। एक जलेबी या एक छोटी सी टॉफी खिलाने से बच्चा बच्चा नहीं होता, ड्यूटी पूरी नहीं होती। हक का मतलब ड्यूटी है, इफ यू वॉन्ट योर राइट देन फुलफिल योर ड्यूटी। एंड नाउ कल ये मेरे घर में घुस के मुझे मारता है, पीटता है, मेरा कंधा तोड़ रखा है, मेरे मुंह पे यहाँ पे स्क्रैचेस मार रखे इसने, मेरे पे हमला करता, दारू पी के मेरे घर में घुसा हुआ। ये 4 साल से कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस में केस है, फिर भी घर में घुसता है। इस आदमी ने मुझे मेरे मुंह पे तेजाब डालने की धमकी दे रखी है, मुझे गोली से मारने की धमकी दे रखी है। ऑनलाइन बोल रही हूँ बात मैं, मुझे इसी आदमी से डर था, और कल ये मेरे घर में घुस के मारता है। आज मेरा कंधा काम नहीं कर रहा, अभी इस डॉक्टर ने बोला 7-10 दिन लग जाएंगे, मसल इंजरी हो रखी है। शुक्र है मसल इंजरी है, बोन इंजरी नहीं है, ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी। बोन इंजरी होती तो महीने तक पड़ी रहती मैं, मर जाऊंगी तो ये बच्चों का करता नहीं, कतई नहीं करता। मेरे को इस आदमी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर है, इस आदमी से मैं सबसे ज्यादा डरती हूं। इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूं, इसलिए क्योंकि मैं कभी इसकी बीबी होती थी, और ये मेरे को मार सकता है, मेरे को मार सकता है, ये मेरी जान का डर है। आज मुझे डर लग रहा है, मेरी जान का डर है।
मैं मर सकती हूँ। बाहर वाले दुश्मन नहीं होते, घर वाले होते हैं। मेरा घर का वाला ही था। मैं इसके बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलने वाली थी ऑनलाइन। अभी भी आपको नाम नहीं दिया ताकि ये चैन से जी ले, पर मुझे भी चैन से जीने दे। पर अब तो मुझे डर है, अब मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। मैं कंप्लेन करके आई हूँ, पुलिस एक्शन लेगी, जो सही होगा सही का लेगी, गलत होगा गलत का लेगी। अब तो वो देखा जाएगा कितना लेंगे, क्या होने वाला है। मेरे को इस आदमी से डर है, और इसके भाई और एक इसका दोस्त, भाई का नाम है मनमीत, दोस्त का नाम है मनमीत, उससे डर है, उसका नाम ले रही हूँ मैं। और एक इसका भाई 21 में रहता है, नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं उसकी फोटोग्राफ अगली वीडियो में डालूंगी। हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए हम पे हमला करने के लिए आ रहे थे वो लोग, हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उस मनमीत की भी फोटो डालूंगी और उसकी भाई की भी डालूंगी। मेरे पति के साथ इन दोनों आदमियों ने भी मेरे ऊपर मेंटल टॉर्चर किया है, मेरी गाड़ी का पीछा किया। मेरे तो परिवार वाला मेरे साथ थे, हमारे तो घर में घुस के हमें मारा, और इन लोगों ने हमारी गाड़ी का पीछा भी किया। मनमीत और इसका जो कजन का है, अगली वीडियो का वेट करना। फोटो भी डालूंगी और नाम भी डालूंगी, और अपने पति की भी फोटो डालूंगी मैं। वुमेन्स हेल्पलाइन हो, कोई भी हो, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। गलती ना करो शादी करने की। निशा लांबा ने मार भी खाई, निशा लांबा ने घटिया आदमी भी देखा, जुआरी आदमी भी देखा, मार पिटाई भी देखी, उसको पाला भी, निशा लांबा ने बच्चे भी पाले, ठीक है, और आगे भी पालूंगी। पेट काट के पैदा की है, अपनी मजे के लिए नहीं पैदा की, कि मैंने तो पैदा कर दी, मैं प्रेग्नेंट हो गई, चलो बच्चे हो गए साइड में, अब मैं दुनिया जूंगी मजे करूंगी। मेरे बच्चे मेरे ऊपर मुतेंगे भी ना, तब भी पालूंगी मैं, ठीक है, माँ हूं मैं। इस आदमी और इसके मौसी वाले, इसके मौसी वाले और इसके भाई बंधु मनमीत और वो भाई, उन सब की फोटो मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूंगी। मुझे इन सब से खतरा है। इसके मौसी वालों ने मुझे कॉल करके शुरू में धमकियां दी थी, और अभी इसके दोस्त मेरा पीछा कर रहे थे। इस वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो मैं एज ए प्रूफ चढ़ा रही हूँ मेरी सिक्योरिटी के लिए। मुझे नहीं पता, जो बंदा मेरे घर में घुस सकता तो वो मुझे बाहर भी गोली मार सकता है, तो ये प्रूफ है भाई मनमीत के खिलाफ, मेरे पति देव कुमार लांबा के खिलाफ, और उसके कजन्स मौसी वालों के खिलाफ, और सेक्टर 21 में इसका एक भाई रहता है, कज़न भाई, उसके खिलाफ। ये वीडियो प्रूफ के लिए चढ़ा रही हूँ मैं, और आप लोगों के लिए इसलिए चढ़ा रही हूँ, भाई शादी ना करियो, और एक थप्पड़ मारे ना तभी छोड़ दियो, एक थप्पड़ में ही छोड़ दियो। मेरी तरह पागल बन के इतने साल इंतज़ार मत करियो कि हम इंतज़ार करेंगे, हमारा पति सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। कायर आदमी चल सकता है, ज़्यादा मस्कुलर आदमी से शादी ना करियो। जिसको अपनी बीबी की इज्जत करनी ना आती, उस आदमी से शादी ना करियो। एक थप्पड़ मारेगा वो 100 भी मारेगा, और जो कमाता नहीं है ना, जिस आदमी, जो आदमी औरत के टुकड़ों पे पलता है और औरत को ही मारता है, औरत से ही पैसे चाहिए, औरत की प्रॉपर्टी चाहिए, और लौंडियाबाजी बाहर करनी है। हाँ, मेरी अंगूठी भी चुराई थी, मैं सो रही थी, मेरे हाथ में से मेरे गहने निकाल के चुराए थे देव लांबा जी, मुझे पता है वो आप थे।